तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। बेसिकली इसमें क्या है, देखो अगर तुम देखोगे इन द रिलेशन, एक रिलेशन दिया हुआ है, पी प्रेशर है, तो अगर पी अपना प्रेशर है तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एम एल, फोर्स का एम एल टी माइनस टू और एरिया का एल स्क्वायर। तो सबका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं, एम एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। जेड क्या है, जेड यहाँ पर डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एल। के बोल्टॉज मैन कॉन्स्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस आप पढ़े होंगे 3/2 के टी होता है, ठीक है। तो के यहाँ पर बोल्टॉज मैन कॉन्स्टेंट है, तो ये 2 times काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई 3T टेम्परेचर। तो 2 और 3 को तो छोड़ दो, काइनेटिक एनर्जी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू और टेम्परेचर का यहाँ से केल्विन, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू के की पावर माइनस वन, वोल्टेज मैन कॉन्स्टेंट ये है, और थीटा यहाँ पे टेम्परेचर यूज हुआ है। तो डायमेंशनल फार्मूला बीटा, बीटा का डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है। तो अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को तुम अगर देखोगे तो प्रेशर पी इज इक्वल टू अल्फा अपन बीटा और ई की पावर माइनस अल्फा जेड अपन के थीटा है। तो यहाँ पर ये जो है, मैं ये पूरा का पूरा ये वाला जो चीज़ है वो डायमेंशनल लेस है, ये डायमेंशनल लेस है, क्योंकि ई एक नंबर है, तो ई की पावर कुछ भी होता है वो डायमेंशनल लेस है। तो इसका मतलब पी इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, इसका मतलब अगर मुझे बीटा का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो सबसे पहले मैं अल्फा का निकालूंगा, तो प्रेशर से डिवाइड करूंगा, तो ये ठीक है। तो e की पावर कुछ भी होता है तो डायमेंशनल लेस होता है, तो ये तुम बड़े प्यार से लिख सकते हो, बड़े आराम से, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा इसको मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, और क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा लेंदी है, तो यहाँ से तो e की पावर जो भी है डायमेंशनल लेस है, तो उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो e की पावर अल्फा जेड और के थीटा, ये सब डायमेंशनल लेस है, तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा का जो डायमेंशन आ जाएगा, अल्फा का डायमेंशन वो के थीटा अपन जेड आ जाएगा। अब के क्या है भाई, वोल्टेज मैन कॉन्स्टेंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू और के की पावर माइनस वन। थीटा, थीटा टेम्परेचर है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला केल्विन, और एल डिस्टेंस है तो एल, तो ये के इसको ख़त्म कर दिया, तो अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला बना एम एल की पावर वन और टी की पावर माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा। तो अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला इतना आ गया। तो अब मुझे बीटा चाहिए, तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला के लिए मैं एक काम करता हूँ, अल्फा अपन बीटा, तो अल्फा एम एल टी की पावर माइनस टू आया, और डिवाइडेड बाई प्रेशर, तो प्रेशर का तुम पहले ही निकाल चुके हो, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, एम ने एम को टी स्क्वायर टी स्क्वायर के, मतलब एल स्क्वायर इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा। तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब ए ऑप्शन सही है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।